नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स फार्मूला, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स कैसे पढ़ें। ऑल स्टूडेंट एक बार ज़रूर देखें यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स में तेज बने, कैसे फिजिक्स पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों एक और वीडियो हम बनाए हैं जिसमें आपको हम बताए हुए हैं कि 9th क्लास से आपको फिजिक्स पढ़ना होगा यदि आप चाहते हैं फिजिक्स में तेज बनना। तो 9th का फिजिक्स पढ़िए, फिर 10th का, फिर 12th का, तो आप आसानी से फिजिक्स में तेज बन सकते हैं या किसी चीज़ का तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में 9th क्लास के पहले चैप्टर के बारे में हम बात किए थे और ये 9th क्लास के दूसरे चैप्टर है। बहुत ही ज़रूरी होता है फार्मूला, जिस तरह मैथ आप पढ़ते हो और फार्मूले की ज़रूरत पड़ता है, उस तरह फिजिक्स में भी बहुत सारे फार्मूले हैं और उसकी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे दूरी है, डिस्टेंस, तो इसे हम एस और डी से सूचित करते हैं, आपको पता होना चाहिए। विस्थापन को एस और डी या एक्स से सूचित करते हैं। समय को टी से करते हैं। प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को भी से, त्वरण एक्सेलरेशन को ए से, वृत्त की त्रिज्या को आर से, औसत चाल एवरेज स्पीड को हम औसत वेग को एवरेज भी लिखकर आपको ए भी यानी कि ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से बहुत सारे जो हैं आपको फॉर्मूले होते हैं जो याद करने होते हैं, जैसे दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय यानी कि एस बराबर वी टी, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय एक्स इक्वल टू भी गुणे टी, औसत चाल बराबर वेग बराबर भी प्लस यू बटा दू, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, रेखीय वेग कोणीय वेग गुणे त्रिज्या, ब्यास की त्रिज्या ब्यास बटा दो, वृत्त की परिधि टू पाई आर। अब आपको ओम पढ़ना है क्या, देखिए यहाँ पे गति का समीकरण, गति समीकरण भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस एन बराबर यानी कि एनवे सेकंड में तय की गई दूरी, यू प्लस टू एन माइनस वन बाई टू इंटू ए। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने होते हैं और इस पर आपको न्यूमेरिकल बनाना होता है। न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल बनाना है, तब जाकर आप धीरे धीरे फिजिक्स में जो है तेज हो पाएंगे और एक अच्छा जानकारी हो जाएगा आपको फिजिक्स का। यदि आप बेस मजबूत करना चाहते हैं फिजिक्स में तो 9th का पढ़िए, फिर 10th का पढ़िए, फिर 11th 12th, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग जो कहा जाता है उस लेवल का आपका फिजिक्स हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं बीएससी करना, ऑनर्स पेपर आप फिजिक्स रखना चाहते हैं, तो आपको जो है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा, यानी कि 9th क्लास से फिजिक्स पढ़कर जाकर आप धीरे धीरे तेज बन पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो ये, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।